वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले, अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी, मकान बनाने के लिए आसान शराइत पर कर्जों की मंजूरी भी दी गई, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए MD कैट पॉलिसी की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की वज़रा को हाउसिंग लोन की पहली किस्त खुद जाकर देने की हदायत, पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम, जुर्म नाकाबिले जमानत करार दे दिया गया। गवर्नर पंजाब से डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर की मुलाकात, डिप्टी चेयरमैन नैब की एहतसाब सहूलत सेल पर तफसीली ब्रीफिंग, सरदार सलीम हैदर ने अदारे में की गई असलाहत को सराहा, गवर्नर पंजाब बोले मुल्क में तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना है, सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। डिप्टी चेयरमैन नैब ने कहा किसी के साथ ज्यादती होगी ना किसी की इज्जत नफ्स मजरू की जाएगी। महकमा हायर एजुकेशन ने लाहौर समेत सुबह भर के कॉलेजेस के ऑडिट शुरू कर दिए, बेशतर कॉलेजेस के ऑडिट गुज़श्ता 6 साल से ताखीर का शिकार थे। ऑडिट टीमों की सरबराही सेक्रेटरी HED डॉक्टर फरग नवीद खुद कर रहे हैं, एक ज़िला की ऑडिट टीम दूसरे ज़िला का ऑडिट कर रही है। ऑडिट रिपोर्ट में कॉलेज सरबराहान को फंड्स जनरेशन, इस्तेमाल और बेहतर कारकर्दगी से मुतालिक हदायत जारी की गई। लिटरेसी डिपार्टमेंट के मलाजमीन और अफसरान की 3 माह बाद सुनी गई, हुकूमत ने लिटरेसी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स में 1 साल की तौसी कर दी। ग्रेड 1 से 19 तक के अफसरान और मलाजमीन तनख्वाह से महरूम थे, प्रोजेक्ट में तौसी मिलने के बाद अब तनख्वाहें जारी होंगी। और खबरदार होशियार, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन का आगाज, मॉडल रोड बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के लिए नो गो एरिया बन गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से 2,02,957 चालान टिकट्स जारी। CTO हमारा अथर कहती हैं हेलमेट दिखने पर टैंकी पर रखने, बाजू में लटकाने पर भी चालान होगा। हेलमेट एनफोर्समेंट मुहिम से हेड इंजरी केसेस में नुमाया कमी हुई, चालान का मकसद शहरियों की जान और माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना है।